दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नव भारत निर्माण ट्रस्ट, सामुदायिक विकास समिति एवं आर्यन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पूर्वांचल में 20 दिनों तक चलने वाले वृक्षारोपण अभियान मिशन 5000 का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर विभराज चंद्र कौशिक द्वारा मिशन 5000 में लगाए जाने वाले पेड़ नीम, पीपल, पापुला, पाकड़, यूकेलिप्टस के पहले पौधे से विश्वविद्यालय कैंपस में वृक्षारोपण कर मिशन 5000 का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में राज्य मंत्री डॉक्टर विभराज चंद्र कौशिक ने बताया कि वृक्षारोपण मिशन 5000 के अंतर्गत पूरे पूर्वांचल में 5000 पौधे लगने हैं, जिसमें नीम, पीपल, पॉपुलर, पाकड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर हमें वास्तव में स्वस्थ रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर विभराज चंद्र कौशिक ने कहा, तो मैं आज विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम कराया है और आज आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह निर्णय लिया तो पूरे प्रदेश 1 करोड़ पौधारोपण हम कराएंगे। पौधा रोपण करने से आप सबको ज्ञात है कि हमारे जीवन के लिए और प्रकृति के लिए पौधारोपण सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि हम इससे जलवायु का भी परिवर्तन होता है, इससे प्रकृति की भी परिवर्तन होता है। और रूसों ने कहा था कि और लौटो बैक टू नेचर, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रकृति के साथ ही, प्रकृति भी एक शिक्षक भी है और प्रकृति एक शिक्षार्थी भी है। इसलिए पेड़ों को हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध हम काटते जा रहे हैं, हम जल को अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तित हो रही है। और आज जल का जो स्तर है आप देख रहे होंगे निश्चित नीचे जाता जा रहा है। हम जब पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ों के काटने से हमारी प्रकृति असंतुलित होगी। रंजीत हो एक लगा मिट्टी डालिए, मिट्टी डालिए और मिट्टी पहले डालो। उत्तर प्रदेश की सरकार पौधों के लगाने का एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है और पौधारोपण का कोई तिथि नहीं होता, कोई समय नहीं होता है। आज हमारे एक प्रतिभाशाली पर्वतारोही रोहित सिंह, नीतीश सिंह ने इसको शुरुआत किया है और 5000 पूरे गोरखपुर जिले और महानगर में पौधारोपण करने का ये काम करेंगे। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्योंकि विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में प्रतिदिन बच्चे पढ़ने आते हैं। पौधारोपण समाज के लिए, जीवन के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए और प्रकृति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में अगर हम अनवरत पेड़ों को काटते जाएंगे, नदियों का जल प्रदूषित करते जाएंगे, मृदा को दूषित करते जाएंगे, तो एक दिन हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जो है अगला विश्व युद्ध यानी तीसरा विश्व युद्ध जल के संकट को लेकर के होने वाला है। हमारे यहाँ ही गोरखपुर में ही देखिए, जो पहले 100 फीट पर 125 फीट पर पानी निकलता था, अब जल और नीचे का उसका सतह चलता जा रहा है। इसलिए पौधों का रोपण एक पुनीत काम है, एक आवश्यक काम है, एक समाज सेवा का काम है। और अगर युवा इसकी ओर बढ़ेंगे, मैं तो यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में
यहाँ पर उपस्थित सभी कई छात्र नेतागण भी हैं, छात्र संघों के पदाधिकारी गण भी हैं, तमाम स्वयंसेवी संगठन से जुड़े लोग हैं और छात्र और नौजवान भी हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे संयोग से युवा कल्याण का काम दिया है, तो युवकों से मैं सरकारी तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी और अपने संगठन के तौर पर भी सबसे अपील करता हूँ कि कुछ नहीं, कि कुछ मत करिए, केवल एक व्यक्ति, माता बहन, भाई बहन, वरिष्ठ कनिष्ठ, अपने घर पर या अपने दरवाजे पर या अपने बाग बगीचे पर या सड़क के किनारे एक पौधा लगावे। अगर एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाएगा तो पौध करोड़ों की संख्या में होंगे। मैं इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको जज्बे को प्रणाम करता हूँ।